अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। क्या सर, फिर से गाड़ी खराब? काहे को खटारा चलाते? अरे नई गाड़ी ले लो ना कोई। देखो, एसीपी के लिए खटारा गाड़ी चलती है। ये बताओ, इतनी जल्दी क्या थी बात करने की? टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते थे? और यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं मीटिंग में था, मालूम है? सर, मैं क्लब में ड्यूटी कर रहा था, तभी वहाँ पे एक आदमी आया, बड़ा ही अजीब सा था। अपने आप को कर्नल बंजारा बोल रहा था। उस आदमी को मैंने पहली बार देखा था साहब, कर्नल बंजारा, मगर था वो कोई और सर। वो डांस देखने का सिर्फ नाटक कर रहा था सर, सिर्फ नाटक। था वो किसी और ही धुन में, क्योंकि बार बार वो घड़ी की तरफ देख रहा था सर, बार बार। मेरा शक सही था सर। थोड़ी देर बाद वहां एक आदमी आया, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। कर्नल ने जैसे उस आदमी को देखा, उन दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए और कर्नल एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ सर, इसलिए मैंने चुपके से जाकर वहां पे एक छोटा सा माइक्रोफोन छुपा दिया ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। ला जल्दी से बैग दे। गन? क्या तू मुझे गन लेकर वहां भेजेगा? हाँ कर्नल बंजारा, इस गन से एक सीआईडी ऑफिसर का खून होने वाला है। सीआईडी ऑफिसर का खून? किसको देनी है गन? मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूं, तुम चुपचाप इस एड्रेस पे चले जाना, इस घर के अंदर घुस जाना और बेडरूम के अंदर चले जाना। वहां बाईं तरफ एक अलमारी है, उसमें ये गन रख देना। पहले तो मुझे इस घर के अंदर घुसना पड़ेगा। उस घर के अंदर मैं जाऊंगा कैसे? वहां पे जो आदमी रहता है वो पहले से ही तेरे लिए पीछे का दरवाजा खोल के रखेगा, उसे पता है कि तुम आने वाले हो। अरे कहीं पकड़े गए तो चार बार फांसी पे लटकाए जाएंगे, सीआईडी वाले लोग हैं वो। अरे गोली तुझे थोड़ी ही चलानी है, जो गोली खाएगा वो एक सीआईडी ऑफिसर है और जो गोली चलाएगा वो भी एक सीआईडी ऑफिसर है। जो तुमने कहा वो सच है ना? झूठ तो नहीं? सर पूरी बात इसमें रिकॉर्ड की हुई है, आप खुद बखुद एक बात सुन सकते हैं। एसीपी साहब का फोन? तो मीटिंग में था ना? यस सर। एक घंटे के अंदर अंदर मुझे सीआईडी के सभी ऑफिसर्स ब्यूरो में चाहिए। यस सर। सी यू सर। एसीपी साहब ने एक घंटे के अंदर वापस ब्यूरो में बुलाया है। मुबारक हो आज की शाम, और वो जो डिनर होने वाला था वो भी मुबारक हो। ये एसीपी साहब को पता कैसे चलता कि बच्चे आज बाहर जा रहे खाना खाने के लिए, थोड़ा हंसने खेलने के लिए? हाँ वो देखो, पहचाना? हाँ, अभिजीत सावंत है, इंडिया का नंबर वन अभिजीत सावंत। एक वो अभिजीत है और एक ये अभिजीत है। एक ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, जिंदगी की खुशियां बटोर रहा है, हंस रहा है, और दूसरा रात को 8 बजे वापस ड्यूटी पे जा रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी को समझ भी नहीं आया अभिजीत, अगर नाम एक है तो लाइफ भी एक जैसी होनी चाहिए थी ना।
भाग गरेखा से मात खा गया दोस्त, और ब्यूरो में भी गड़बड़ होने वाली है। एसीपी साहब का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अभिजीत आपका शो यारों कब आ रहा है? रविवार 19 जून रात को 8 बजे मेरा कॉन्सर्ट यारों देखना मत भूलिएगा। बहुत दिनों के बाद लग रहा है जैसे हम लोग परेड में खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट आने से पहले ही हम लोग केस सॉल्व कर। बड़े जले हुए से लग रहे। हूँ जला हुआ। आपको पूछताछ जरा संभल के करनी चाहिए थी। उस आदमी के मर जाने से आपका जो हुआ सो हुआ, हम लोगों का भी नाम खराब हो गया। सर बताइए तो सही, बात क्या है? कुछ सीरियस हो गया है क्या? अभिजीत तुम अभी इसी वक्त जाकर दया के घर की तलाशी लो, और दया तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं? दया के घर की तलाशी? हाँ सर, मेरे घर की तलाशी क्यों? तो दया तुम जाकर दक्ष के घर की तलाशी लो। सर मेरे मैंने क्या किया सर? दक्ष तुम अभिजीत के घर जाओ। तुम फ्रेडरिक्स के घर की तलाशी लो। मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा सर। फ्रेडरिक्स तुम अदिति के घर जाओ। पर सर हमारे ऊपर क्यों शक किया जाता है? क्योंकि तुम में से कोई एक हम में से किसी की जान लेने वाला है। What? हाँ, और मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। ऐसे ये हो ही नहीं सकता, किसी ने आपको झूठी खबर दी है। जिसने भी मुझे बताया उसने आज तक मुझे कभी गलत खबर नहीं दी। शायद आज गलत हो सकती है। There is always a first time, sir. जल्दी से जाकर तलाशी शुरू करो, जाओ। इसे भी प्रद्युमनिया। मैं डॉक्टर सौरभ जीवनदान हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ सर। अभिजीत सावंत जो इंडियन आइडल है, उसने अभी अभी यहाँ एक लड़की का खून कर दिया सर। अभिजीत सावंत? चलिए हटिए, हटिए दरबाजू। मार डाला मेरी बेटी सुनैना को, उसने मार डाला। उस अभिजीत सावंत ने मेरी बेटी सुनैना को मार डाला। देखिए, संभालिए अपने आप को। मैं क्या संभालू अपने आप को? मेरी इकलौती बेटी मर गई। अब मैं देखिए क्या करूंगा। उस अभिजीत सावंत से कहिए मुझे भी मार डाले। देखिए मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन आपको संभालना होगा अपने आप को। एक 9 साल की बच्ची मौत से लड़ रही है, इशिका, हमारे एसीपी अजात शत्रु की बच्ची। वो मौत से लड़ रही है और अजात शत्रु की नौकरी भी खतरे में है। होने को कौन टाल सकता है? डॉक्टर साहब ये सब हुआ का? आइए चलिए। ये सब हुआ कब? तकरीबन 9 बजे अभिजीत सावंत सुनैना से मिलने आया और इसका खून करके चला गया। मेरी गलती थी, मैं अपने अभिजीत सावंत को बुलाया था, मैं उसे यहाँ ले आया था। आपने बुलाया था? क्यों? सर मेरी बेटी लास्ट स्टेज में थी, उसे ब्लड कैंसर हुआ था। वो सिर्फ एक बार अभिजीत सावंत से मिलना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी के लिए खुशी नहीं बल्कि मौत को यहाँ ले आ रहा हूँ। कितनी देर तक था वो सुनैना के साथ? तकरीबन 5 मिनट। वो यार वो अपना ऑटोग्राफ भी वहां कार्ड पे छोड़ गया है। वो देखिए वो कार्ड वहां पे। सुनैना की मौत हो चुकी है, ये आप लोगों को पता कब चला? करीबन 5 मिनट बाद। हम जब बाहर अभिजीत सावंत के बारे में बात कर रहे थे, इतने में इस कमरे के अंदर से मुझे चीख सुनाई दी। मैं दौड़ के अंदर आया, देखा तो मेरी बेटी मर गई थी। मगर आपको कैसे पता कि अभिजीत सावंत ने ही इसे मारा है? जब सिंह सुनकर सिस्टर अंदर आए चले आए तो उसने देखा ये वो लाल कलर का नॉब
ऑफ हो चुका था, इससे मेरी बेटी को ऑक्सीजन सप्लाई हुआ करता था। उसने मेरी बेटी की सांस ही रोक दी। अभिजीत सावंत के जाने के बाद यहाँ कोई आया था? जी कोई नहीं आया। ये ऑक्सीजन नॉब जरूर अभिजीत सावंत ने बंद किया। डॉक्टर अंजलिका, अगर ये लाल नॉब अभिजीत सावंत ने बंद किया है तो उस पर उसकी उंगलियों के निशान होंगे। वो फिंगरप्रिंट्स और इस कार्ड पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उन्हें मैच करके देखो। यस। वीरेन जी, अगर अभिजीत सावंत की उंगलियों के निशान मैच हो गए तो इस इंडियन आइडल को हम नहीं छोड़ेंगे। क्या एक दो घंटे पहले तुम इसे जीवनदान हॉस्पिटल में मिले थे? हाँ सर। वेल, सुनैना का खून हो गया है, वो बेचारी मर गई है। लेकिन मैंने तो नॉब नहीं घुमाया था। चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने कब कहा कि तुमने नॉब घुमाई थी? वो तो बेचारी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गई। लेकिन मैं तो, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, समझे? तुम्हें सुनैना के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा। ये जरूर किसी की चाल है मुझे फंसाने के लिए सर। अच्छा, कौन है वो? सुनैना के फादर। आज मैं फंक्शन से बाहर आ रहा था तब वो मुझसे मिलने आए। मैं नहीं हटूंगा, मैं यही जहर यहीं पीऊंगा। कहीं और जाके पीजिए ना, यहाँ पर क्यों पी रहे? नहीं, मैं ये जहर यहीं पीऊंगा। अगर आपने मुझे दो मिनट के लिए अभिजीत सावंत से मिलने नहीं दिया तो मैं ये जहर पी के आत्महत्या करूंगा। क्या बात है? देखो देखो, मेरी बेटी अस्पताल में पड़ी है, उसकी हालत बहुत खराब है। वो तुमसे एक बार, सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। भगवान के लिए ना मत कहना, ये उसकी आखिरी इच्छा है। चलिए सर, मैं आपके साथ चलता हूँ। सुनैना बेटा, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। सुनैना, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ठीक ठाक थी। मुझे लगा था शायद तुम आने से मना कर दोगे। मुझे अगर पहले पता होता कि तुम हो तो मैं भागा चलाता। सुनैना, मैंने तुम्हें टीवी पे देखा, बहुत बड़े आदमी बन गया तुम। अभी जी इंडियन आइडल। तो मुझे कभी भी बुला सकती थी। अभिजीत। हाँ? मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? मुझे ल्यूकेमिया हो गया, लास्ट स्टेज है, मगर मौत नहीं आ रही, बहुत तकलीफ। मेरे बचने की कोई आशा नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से ही मरना चाहती। नहीं सुनैना, मैं खून नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वो लाल बाप देख रहे हो, वो ऑक्सीजन टैंक, बस उसे घुमा दो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरी मदद करो अभिजीत, मैं बहुत तकलीफ में, कोई भी मुझे सुनने के लिए तैयार। मैं जा रहा हूँ सुनैना। प्लीज अभिजीत, प्लीज वो नाम घुमा दो, मुझे मुक्ति दिला दो। बहुत दर्द है, मुझे दिन रात तड़पती रहती हूँ मैं। प्लीज प्लीज ऑक्सीजन बंद कर दो।
पे हाथ जोड़े। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू। पता नहीं क्या हो गया था मुझे एसीपी साहब, मैंने आज तक किसी को मरते हुए नहीं देखा था। ये क्या होने वाला था मेरे हाथों से, वो मेरे आंखों के सामने मर जाती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ऑक्सीजन बंद नहीं की? मैंने ऑक्सीजन बंद नहीं किया। तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान वहां पर कैसे है? मैंने हाथ लगाया था लेकिन मैंने वो नॉब नहीं घुमाया। अभिजीत, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि तुमने नॉब को हाथ लगाया मगर नॉब घुमाया नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे देश में मर्सी किलिंग मना है। चाहे सुने ना, 3-4 दिन बाद अपने आप मर जाती मगर उसका ऑक्सीजन बंद करके उसे मारना एक खून के बराबर है। तुम्हें सुने ना कि खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वो आने वाले हैं, आपको पता चले। क्यों नहीं आए? आने वाले, मैंने आपको बोला ना। एक मिनट, है स्टॉप इट, चलिए चलिए, आप बात करें, आप पीछे पीछे हटिए, चलिए। देखिए आप यही रुकिए आप प्लीज। सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं, आधे घंटे में तुम्हें क्या करना है सोच लो। सब सच सच बताना है या कोई कहानी सुनानी है? मैंने तो सब कुछ सच बता दिया आपको एसीपी साहब। अच्छा, फ्रेडरिक्स इनके साथ रहो। यस सर। हाँ अभिजीत। सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फ्रेडरिक्स क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैंने कहने ही वाला था कि सच बता दो। ठीक है, तलाशी में कुछ मिला? सर हम तीनों तो तलाशी लेके वापस आ गए मगर दया और दक्ष दोनों गायब हैं। एक तरफ ये अभिजीत सावंत फंस गया है और दूसरी तरफ दया और दक्ष दोनों भी गायब है। बहुत बुरा दिन आया है सीआईडी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑफिसर खून करने वाला है वो दया और दक्ष में से कोई है?